डीएलएड में दोस्तों एक और घटना जो है वो सामने आई है। डीएलएड कर रहे युवक ने गोली मार कर खुदकुशी कर ली है। आखिर कब होगा न्याय, कब हटेगी ये बेरोजगारी, कब आएगी भर्ती? बहुत ही दुखद घटना है ये आप सभी के सामने, पूरे डीएलएड परिवार के लिए ये घटना है। क्योंकि इस होली में जब पूरा परिवार खुशी मनाता है, वहीं एक ऐसा परिवार जो मातम छाया हुआ है पूरे परिवार में। ये जो खबर है दोस्तों, ये खबर जो है ये फिरोज़ाबाद की है, और यहाँ पर डीएलएड कर रहे युवक की गोली लगने से मौत हुई है। पुलिस का कहना है कि युवक ने तमंचे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। छोटे भाई के रेलवे में नौकरी लगने के बाद वह परेशान रहता था, वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सफलता ना मिलने से मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए उसने यह कदम उठाया। दोस्तों क्या लगता है आपको, ऐसा कदम उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए? भाई हम लोग तो यही कह सकते हैं हाँ ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता चलता है। ये जो मानसिक तनाव होता है ना, ये जिसके ऊपर बीतती है उसको कुछ समझ नहीं आता है। ना तो उसको फैमिली दिखती है, ना तो उसको रिश्तेदार दिखते हैं, ना तो कोई दिखता है, ना वो अपने बारे में सोचता है। ऐसा तनाव होता है, मानसिक तनाव। तो यहाँ पर आपको पता है, फ़िलहाल के लिए जो ये था, डीएलएड कर रहा जो युवक था, इसने अपनी खुदकुशी कर ली है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये बेरोजगारी का ही मामला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है, और ये जो है दूसरी मंजिल पर बने कमरे में इन्होंने गोली मारी थी। और गोली मारने का सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बता दिया, बेरोजगारी। और अभी आपको पता है कि हज़ारों बच्चे नहीं, यहाँ पर लाखों बच्चे डीएलएड किए हुए हैं। 15 लाख बच्चे डीएलएड किए हुए हैं, जिनमें से 10 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेट सीटेट पास कर लिया, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं लगभग बहुत ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, ऐसे साथी होंगे जो अभी इस मानसिक तनाव से गुजर रहे होंगे। तो उनसे मेरी यही एक विनती है कि अपनी ज़िंदगी, ये जो अपनी एक अनमोल ज़िंदगी है ना, इसको आप दांव पे मत लगाइए। नौकरी नहीं मिलेगी, काम चल जाएगा। अपने माता पिता का चेहरा देख करके आप लोग जीवित रह सकते हैं बिल्कुल, बट हाँ होता है कि हाँ उनके सपने नहीं पूरा कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में लेकिन मानसिक तनाव, ये तो मैं नहीं कह सकता कि हाँ मानसिक तनाव आप लोग करें बिल्कुल, मानसिक तनाव से थोड़ा सा आप लोग दूर चले जाइए, भले ही धीरे धीरे करके जाइए, बट मानसिक तनाव से थोड़ा सा दूर चले जाइए। मैं मानता हूँ कि हाँ मानसिक तनाव एक ऐसा तनाव है जिसमें कुछ नहीं नज़र आता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे कदम मत उठाइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों मित्रों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।